अपने को पार कर लेने वाले और दूसरों को भी पार करने वाले हैं, तारने वाले हैं। ऐसे गुरु के पटतर में अर्थात उनकी तुलना, उनकी समानता किससे की जाए। यहां ग्रंथकार सदगुरु श्री विशाल साहब गुरु की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप स्वयं सिद्ध हैं, पूर्ण पुरुष हैं और अपने समान आप स्वयं हैं। मूल रूप में सभी जीव पूर्ण हैं, जीव अपूर्ण नहीं है। अपनी पूर्णता के लिए उसे बाहर से कुछ पाना नहीं है, बाहर से कुछ पा करके यदि पूर्ण होगा तो बाहर की मिली वस्तु छूट जाएगी तो फिर अपूर्ण का अपूर्ण हो जाएगा। जी स्वयं स्वरूप से पूर्ण है, अविनाशी है, अखंड है, शुद्ध बुद्ध है, मुक्त है। वह अंश अंशी कारण कार्य व्यापक व्याप्य व्यापक भाव से रहित है, लेकिन उसे अपने स्वरूप का बोध नहीं है। और यदि बोध हुआ भी, ये समझने में आ गया, जानने में आ गया कि मेरा स्वरूप शुद्ध बुद्ध है, निर्मल है, पूर्ण है, तो इस दशा में ठहराव नहीं होता है। मन के कुसंस्कार चंचल करते रहते हैं, मन और इंद्रियों के वशीभूत होकर जीव भटकता रहता है। अपनी पूर्णता को न जानकर वह बाहर से पूर्णता पाने के लिए रात दिन दौड़ता रहता है। कोई व्यक्ति विशाल खजाने पर बैठकर भीख मांगे, दरिद्र बना रहे, ऐसी ही दशा हम लोगों की है। जीव का स्वरूप ही सुख स्वरूप है, अखंड शांत आनंद का भंडार स्वयं है, लेकिन अपने आप को न जानकर वह सुख बाहर से खोजता है, आनंद शांति बाहर से खोजता है, दरिद्र बना भटकता रहता है। जितनी ज्यादा इच्छा कामना होगी, बाहर से पाने की कोई तृष्णा होगी, उतना अपूर्णता का बोध होगा, उतना क्लेश, उतनी पीड़ा का अनुभव होगा। स्वयं के शोधन से, सत्संग से या संत गुरुजनों की संगत से जिसने अपने स्वरूप का ठीक से बोध प्राप्त कर लिया और बोध प्राप्त करके जो उस अपने स्वरूप भाव में स्थित हो गया, जैसा जीव का स्वरूप है वैसा बोध हुआ, ज्ञान हुआ और वैसे ही जीवन के आचरण हुए, और जो अपने आप को सारी विषय वासनाओं से ऊपर उठा लिए, सबसे पूर्ण वैराग, उसके पश्चात अपने आप में स्थिति, बस फिर वो जैसा का स्वरूप है पूर्ण वैसा पूर्ण हो गया, स्वयं सिद्ध रूप। और इस स्थिति में जो हैं वे ही सच्चे गुरु हैं, उनके समान वे स्वयं हैं, कोई दूसरा उनके समान नहीं है।
अप्रसन्नेय हो सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति भी अपने स्वरूप को जानकर और सबसे वैराग्य करके सबसे सबकी आसक्ति मोह माया विषय वासना को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो गए कृतार्थ रूप, तो वो भी तो वैसा ही हो गया। तो जो स्थिति में हुआ वो गुरु रूप हुआ, एक गुरु दर्जा है। उस दर्जा के समान कोई दूसरा दर्जा और नहीं है, उस स्थिति के समान दूसरी स्थिति नहीं है। जो उस बोध में उसी स्थिति में पहुंचे वो सब एक समान हो गए, उनकी एक दशा है। इसलिए कहा गया कि आप समान ही आप गुरु स्वयं सिद्ध स्वरूप हैं, पूर्ण पुरुष हैं, कृतार्थ रूप हैं और उनके समान वे स्वयं हैं। कोई संसारी मनुष्य चाहे वो कितने भी भौतिक ऐश्वर्यों से संपन्न क्यों न हो, उनकी बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि अंत में एक दिन सारा ऐश्वर्य छूटने वाला है। और कितना भी ऐश्वर्य मिल जाए उससे मन का क्लेश दूर थोड़े होगा, मन की पीड़ा मिटेगी थोड़े, और उससे आवागमन का जो चक्कर है वो समाप्त थोड़े होगा। तो फिर बाहर का सारा ऐश्वर्य और ऐश्वर्यों से संपन्न व्यक्ति गुरु के समान कैसे हो सकते हैं? इसलिए तो सद्गुरु कबीर ने बीजक में कहा है कि अरब खरब ले दर्व है उदय अस्तलों राज, भक्ति महात्म ना तुले ये सब कहने काज। अरबों खरबों की संपत्ति हो, पूरी पृथ्वी पर अपना शासन हो, लेकिन ये सब के सब मिलकर भक्ति की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि इनसे दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती, आवागमन का चक्कर नहीं मिट सकता, आत्मशांति नहीं मिल सकती, कल्याण का रास्ता तो भक्ति का रास्ता है। बंध हरण तारण तरण परतर कहीं को थाप, ऐसे अपने स्वरूप को जानकर अपने बोध भाव को जानकर उस दशा में जो स्थित हैं उन्होंने अपने सारे बंधनों को काट लिया। वे बंधनों को हरण करने वाले होते हैं और जो बंधनों को काट लिए, बंधनों को दूर कर दिए, वे भवसागर से तर गए, मुक्त हो गए। और ऐसे जो महापुरुष होते हैं वे स्वयं तो मुक्त होते ही हैं, दूसरों को भी मुक्ति की तरफ प्रेरणा देने वाले होते हैं, मुक्त के रास्ता बताने वाले होते हैं, और जिज्ञासुओं साधुओं के कल्याण में सहायक होते हैं। उनकी शरण में रहकर अनेक लोग अपना कल्याण करते हैं और भवसागर से पार हो जाते हैं। फिर ऐसे गुरु की बराबरी में दूसरा कौन हो सकता है? स्वार्थ पड़तर छोड़ी के रहस्य आप अपनाए, ऐसी समझ स्वाधीनता करने मिले सहाय। स्वार्थ में दूसरों की बराबरी करने की भावना और चेष्टा को त्याग दे, कल्याण के जो सहायक अंग हैं सद्गुण सदाचार
हे गुरुदेव, मैं उनको अपने जीवन में अपनाऊं। ऐसी ही समझ में मेरी स्वाधीनता हो जाए, अर्थात मेरी ये समझ एकरथ बनी रहे और जैसी मेरी जो समझ है उसके अनुसार से मैं निरंतर कर्म तत्पर रहूं। आपसे मैं एक यही सहायता चाहता हूं। ये वंदना में है तो वंदना में मानो जिन्होंने ये वंदना लिखी है वे स्वयं कृतार्थ रूप थे, लेकिन जब कोई भी वंदना लिखे तो अपने को शिष्य एक साधक के रूप में रख करके ही और गुरु उस दशा में रख करके ही वंदना लिखेगा। तो यहां पर मानो एक साधक मुमुक्ष शिष्य गुरु से वंदना कर रहा है कि हे गुरुदेव, मैं स्वार्थ में दूसरों की बराबरी करने की भावना और चेष्टा का त्याग कर दूं। प्राय होता यही है, लोग भौतिक क्षेत्र में दूसरों से आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई किसी से पीछे रहना नहीं चाहता, लेकिन वैसी सुविधा नहीं है, वैसी स्थिति नहीं है, तो मन ही मन तृष्णा में पड़ा रहता है। अमुक का ऐसा बढ़िया मकान, मेरे पास भी वैसे मकान होता, मेरा मकान भी वैसा क्यों ना बने, मैं वैसा मकान क्यों ना बनाऊं। अमुक के पास ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसी कीमती गाड़ी है, तो वैसी कीमती वस्तुएं और वैसी गाड़ी मेरे पास भी क्यों ना हो, मैं क्या कम हूं दूसरों से। अमुक के इस प्रकार से मान बढ़ाई होती है, पूजा प्रतिष्ठा होती है, तो ऐसी ही पूजा प्रतिष्ठा मेरी क्यों ना हो, मैं भी इतने दिन का साधु हूं, मुझे भी तो प्रवचन करने आता है, मुझे भी तो लोगों को उपदेश करने आता है, समझाने आता है, तो जब उसकी प्रतिष्ठा होती है, उसकी पूजा होती है, तो मेरी पूजा क्यों ना हो। और ऐसे ही धन पद प्रतिष्ठा कुल मिलाकर दुनिया की वस्तुएं, जो भौतिक वस्तुएं हैं, स्वार्थ की वस्तुएं, इनमें कोई किसी से पीछे रहना नहीं चाहता है। होड़ लगी हुई है कि हम आगे निकल जाएं, हम आगे निकल जाएं, हमारी पूजा सबसे ज्यादा हो, हमारी प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा हो, हमारे ऐश्वर्य सबसे ज्यादा हो, हमारा मकान सबसे बड़ा हो, हमारे पास जैसी गाड़ी हो वैसी गाड़ी किसी के पास ना हो, जैसी चीज हमारे पास हो वैसे किसी के पास ना हो, सबके मन में ये कामना होती है। यहां शिष्य मुमुक्ष याचना करता है गुरु से कि हे गुरुदेव, मैं जो स्वार्थ में बराबरी करने की भावना और चेष्टा है इसकी त्याग कर दूं, लेकिन रहस्य आप अपनाएं, मैं तो कल्याण के जो सहायक सदगु सदाचार हैं उनको अपने में धारण करूं, दूसरों के समान धनवान मैं न बन पाऊं, प्रतिष्ठित न बन पाऊं, बड़ा पद वाला न बन पाऊं, लेखक प्रवक्ता ज्ञानी विद्वान न बन पाऊं, लेकिन मैं दूसरों के समान दयालु
क्षमाशील संतालु निष्काम निष्क्रोध निर्वाण साधना परायण संत संत गुरु सेवी वैराग्यवान बन जाऊं, बल्कि इसमें सबसे आगे निकल जाऊं। वैराग क्षमा धीरस विवेक भक्ति सेवा, इनमें मैं किसी से पीछे न रहूं। और इसी भावना में ही हमारा कल्याण है। लेकिन ये भावना कहाँ होती है? इस क्षेत्र में बराबरी कहाँ करते हैं लोग? और दुख का कारण यही है। भौतिक क्षेत्र में बराबरी करने में हमारी स्वस्थता नहीं है। स्वस्थता है सदगुण सदाचार में बराबरी करने में, आगे निकलने में। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी जितना चाहिए उतना पैसा नहीं मिल पाता। लोगों को रिझाने का, समझाने का, खुश करने का प्रयास करते हैं, लेकिन लोग रिझते नहीं है, खुश होते नहीं है। तो हम क्या करें? कैसी हमारी प्रतिष्ठा हो, कैसे हमारा धन बढ़े? और अंत में यदि हमारा धन बढ़ गया, लोग हमसे कुछ खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, तो एक दिन उनका वियोग तो होना ही है। स्थाई कैसे रह सकते हैं? लेकिन सद्गुणों के क्षेत्र में, ज्ञान भक्ति विवेक वैराग साधना क्षेत्र में आगे बढ़ने में कोई व्यवस्था नहीं है। इसमें केवल अपने मन को मारना पड़ता है। धीरज, सहन, संतोष जो रखेगा वो साधना क्षेत्र में दूसरों से आगे बढ़ जाएगा। इसलिए यहां साधक शिष्य वंदना करते हुए कहता है कि गुरुदेव, मैं स्वार्थ में भौतिक क्षेत्र में दूसरों से बराबरी करने की भावना और चेष्टा का त्याग कर दूं, कल्याण के जो सहायक अंग हैं सद्गुण सहचार भक्ति सेवा परायणता विवेक वैराग, इनको मैं अपना लूं और ऐसी समझ स्वाधीनता, ऐसी समझ में ही मेरी स्वाधीनता हो, अर्थात मेरी ये समझ एकरस बनी रहे। समझ एकरस बनी रहना बड़ा मुश्किल होता है। अब जो कल्याण का सच्चा विरही होगा, सच्चा मुमुक्ष होगा, उसकी समझ बनी रहेगी। नहीं तो थोड़ी सी पूजा मिलती है, थोड़ी प्रतिष्ठा मिलती है, थोड़ी वाक शक्ति बढ़ गई, प्रवचन करने की कला आ गई, किसी बात को लेकर के अन्य योग्यता हो गई, तो समझ घट जाती है। समझ सेवा भक्ति साधना वैराग सब कमजोर पड़ने लग जाते हैं। अब जब ये सब कमजोर पड़े तब फिर उस क्षेत्र में कर्म तत्परता कहां रहेगी? वो कर्म तत्परता भी ढीली होगी। तो क्षणभंगुर बुद्धि, बदलने वाली बुद्धि से कल्याण का काम नहीं होता है। एकरस समझदारी हो, जब एकरस समझदारी हो और समझदारी के अनुसार साधना हो, कर्म हो, तब कल्याण होता है।
साधक कहता है गुरुदेव मैं आपसे और कुछ नहीं मांगता, बस यही मांगता हूँ, यही मैं सहायता चाहता हूँ कि मेरी समझ कल्याण के क्षेत्र में एक रथ बनी रहे और मैं सदैव अपने साधना में आगे से आगे बढ़ता रहूं। यही मांगन से मांगना, यही देना से देन, यही लेना से लेना है और न कोई धेन। हे गुरुदेव बस यही मांगन से मांगना, आपसे केवल मुझे यही मांगना है स्वरूप ज्ञान और एक रस समझ, कर्म तत्परता, इसके अलावा मुझे आपसे कुछ और नहीं चाहिए। यही देन आते देन, और आपको भी इसी देने से ही मतलब है। आप मुझे केवल स्वरूप ज्ञान दें, एक रस समझ दें और साधना में मेरी तत्परता बनी रहे इसके लिए मुझे बल दें, इसके अलावा आपको मुझे कुछ और नहीं देना है। मुझे गद्दी महंती या गुरुवाई या रुपया पैसा धन दौलत की आवश्यकता नहीं है और आपको ये देना भी नहीं है। यही लेना से लेना है, मुझे आपसे केवल यही लेना है स्वरूप ज्ञान और साधना परायणता, इसके अतिरिक्त मेरा अन्य और कोई ध्येय है ही नहीं। गुरु और शिष्य के बीच में जब कोई भौतिक कामना आ गई, भौतिक स्वार्थ आ गया, तब वो संबंध स्थायी बना नहीं रहेगा, दोनों के मन में अशांति रहेगी। गुरु शिष्य का संबंध भौतिक स्वार्थ के लिए को लेकर के नहीं होता है, रुपये पैसे गुरुवाई और महंती को लेकर के नहीं होता है, किंतु गुरु शिष्य का संबंध कल्याण के लिए होता है, अध्यात्म साधना बोध के लिए होता है। और इसी के लिए शिष्य गुरु की शरण में गया हुआ ही है। तो जब शिष्य के मन से सारी भौतिक कामना मिट गई और वह गुरु से केवल स्वरूप ज्ञान और साधना की यातना करता है, तब वह एकरथ अपनी साधना में आगे बढ़ता चला जाता है। गुरुदाता शिष्य पात्र हो तब ही फल अधिकार, साचा सच्चे देश में पाप ताप सब छार। गुरु दाता है और शिष्य पात्र है, तभी फल अधिकार, तभी फल का अधिकार अथवा स्वरूप स्थिति की प्राप्ति होती है। गुरु समान दाता नहीं याचक शिष्य समान, तीन लोग की संपदा सो गिर दीनों दान, ये कबीर साहब की साखी है। गुरु के समान अन्य और कोई दाता नहीं है। दुनिया के बड़े से बड़े दानी गुरु के समान नहीं हो सकते, और जिसके मन में केवल कल्याण की कामना है, केवल स्वरूप ज्ञान स्वरूप स्वरूप बोध और कल्याण की कामना है, ऐसे शिष्य के समान याचक और कोई नहीं हो सकता। कोई अपना सर्वस्व दान कर दे, राजपाट धन दौलत रुपये जो कुछ है सब दान कर दे और किसी को दे दे, और जिसको वो मिले तो अंत में क्या होगा, वो घर द्वार रुपया पैसा वो सब छूटेगा, तो उससे उसे थोड़ी सुविधा मिल जाएगी, जीवन जीने में आराम हो जाएगा, लेकिन मन का दुख तो नहीं मिटेगा।
मन की पीड़ा तो नहीं मिटेगी, मन में जो क्लेश बना हुआ है, ईर्ष्या द्वेष घृणा बने, ये सब तो नहीं मिटेंगे, तब उस दान का महत्व तो क्या हुआ? भौतिक दान का, अन्न दान, वस्त्र दान और धन दान, इन सब का अपना महत्व है, लेकिन एक सीमित क्षेत्र में। असीमित दान तो गुरु का होता है, गुरु दाता, गुरु दाता, लेकिन गुरु कौन? खाली किसी को दीक्षा देते हुए जो घूम रहा है, उस गुरु की यहां बात नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं जो स्वयं मन के गुलाम बने हुए हैं, जिनके न ज्ञान का ठिकाना है और न जिनके आचरण का ठिकाना है, जिनके मन और इंद्रियां उसे भटका रहे हैं, वे भी गुरु बने घूम रहे हैं, लोगों को दीक्षा दे रहे हैं, और उन्हें भी बड़ा अहंकार है कि हमने इतने इतने लोगों को दीक्षा दे दिया। ऐसे गुरु की बात यहां नहीं है। ऐसे गुरु के लिए तो कबीर साहब ने कहा है कि गुरु से शिष्य सब बूढ़े अंधकाल पछताना, ऐसे गुरु अपने शिष्यों को लेकर भवधारा में डूब जाएंगे और अंत में इन्हें पश्चाताप करना पड़ेगा। यह पूर्ण गुरु की बात है, जो भक्ति बोध वैराग की निरंतर साधना करते करते जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से निर्मल कर लिया, पूरी तरह से स्वस्थ कर लिया, साध लिया है, जिनका मन हर समय निर्मल शांत प्रशांत बना रहता, जो निरंतर सुप्त स्थिति में निमग्न रहते हैं, ऐसे पुरुष ही सच्चे गुरु हैं और उनकी ही बात यहां कही जा रही है। और ऐसे गुरु दूसरे जो अन्य जो शिष्य हैं, साधक मुमुक्षु हैं, उनको कल्याण का रास्ता बताने वाले हैं। न तो जीवन में भक्ति है, न वैराग्य है, न सच्चा ज्ञान है, न साधना है। अब एक गुरु बन गए तो शिष्यों को तारेंगे कि डुबाएंगे? तो गुरु दाता शिष्य पात्र हो, सब प्रकार से निष्काम स्वरूप बोध में स्थित गुरु दाता हूं। किसका दाता? ज्ञान दाता, बोध दाता, शिष्य पात्र। और शिष्य सारी भौतिक कामनाओं से रहित केवल ज्ञान प्राप्ति, कल्याण प्राप्ति के चाहना करने वाले हों, तब ही फल अधिकार, तब शिष्य को बोध प्राप्ति का स्वरूप बोध स्वरूप स्थिति की प्राप्ति होती है। साचा सच्चे देश में अपना जो देश है, साचा देश है, सत्य देश, वो कौन देश? आत्मदेश। ये भौतिक जो शरीर है या भौतिक जो क्षेत्र है, जिस मकान में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, वो तो क्षणिक निवास है। जीवन रहते तक, शरीर रहते तक, बस प्रारब्ध खत्म हुआ, यहां से फिर सदा के लिए हमारा संबंध छूट जाने वाला है। अपना सच्चा देश अपना चेतन स्वरूप है, लेकिन जब उसी प्रकार अपना अंतःकरण भी सत्यता से पूर्ण हो, तब क्या होगा? पाप ताप सब क्षार, अपने सारे पाप दूर होंगे। और पाप जब दूर हो जाएंगे तो उससे उत्पन्न होने वाले जो ताप हैं, दुख हैं, वे भी सर्वथा मिट जाएंगे। अपना हृदय पवित्र नहीं है, सच्चाई से परिपूर्ण नहीं है, तो खाली ज्ञान क्या काम करेगा? हृदय में सच्चाई होना चाहिए, उसमें कोई मान बड़ाई की ना हो,
छलकपट न हो, ईमानदारी हो, निश्छल निष्कपट मन, निर्ग्रंथ मन, सत्यता से परिपूर्ण जब मन हो तब मन के पाप दूर होंगे, और जब पाप दूर होंगे तब ताप दूर होंगे। हमारे जीवन में किसी प्रकार का दुख होता है, हमें किसी प्रकार के दुख का अनुभव होता है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमसे पाप हो रहा है। स्थूल पाप नहीं होता है, सूक्ष्म पाप होता है। किसी की उन्नति देखे, किसी के अन्य कुछ योग्यता देखे, किसी की पूजा प्रतिष्ठा देखे, किसी की मान बढ़ाई देखे, मन ईर्ष्या से जल गया, तो हमने पाप किया और उसका परिणाम दुख आना ही आना है। दूसरे को छोटा सिद्ध करने का प्रयास, दूसरे की बुराई, दूसरे की निंदा, ईर्ष्या द्वेष हमारे मन में है तो हम पाप ही तो कर रहे हैं, और उसका परिणाम हमें दुख आना ही आना है। और ये सब है यदि हमारे मन में किसी के लिए ईर्ष्या है, निकट रहने वाले, दूर रहने वाले, अपना कहने वाले, पराय कहने वाले, किसी के लिए किसी प्रकार की ईर्ष्या है, उसके लिए किसी प्रकार की घृणा है, द्वेष भाव है, उसकी हानि हो, उसका नुकसान हो, ऐसी भावना है, तुम्हारा अंतःकरण पाप से पूर्ण है, उसमें सच्चाई नहीं है, तो परिणाम ताप मिलेगा मिलेगा। जब पूरी सच्चाई होगी तब ईर्ष्या क्यों होगी? दूसरे को दुख मिले, कष्ट मिले, उसकी हानि हो, ऐसी भावना क्यों होगी? साचा सच्चे देश में पाप ताप सब सार। जैसा हमारा देश, हमारा स्वरूप सच्चा है, हमारा स्वरूप सत्य है, एक रस है, उसी प्रकार जब हमारा अंतःकरण भी सत्यता से परिपूर्ण हो, निर्मल निष्कपट हो, तब हृदय के पाप दूर होंगे, और तब उसके द्वारा मिलने वाला दुख दूर होगा, और तब हमें उस परम पद कल्याण दशा की प्राप्ति होगी। अब मूल प्रसंग एक, सद्गुण निरूपण। हानि न होवे आपनी गुरु भक्ति वैराग, दया क्षमा संतोष सत, लही विवेक हित जाग। इन आगे जो सात साखियां हैं, इन सात साखियों में सद्गुणों का निरूपण किया गया, 19 सद्गुणों के नाम बताए गए हैं, और उन सद्गुणों को जीवन में आचरण करने से क्या फल होगा, इस बात को बताया गया है। हानि न होवे आपनी गुरु भक्ति वैराग, दया क्षमा संतोष सत, लही विवेक हित जाग। जब हम गुरु भक्त, वैराग, दया, क्षमा, संतोष, सत और विवेक को धारण करके सब समय जागरूक बने रहेंगे, अपने मन इंद्रियों से और माया से सावधान रहेंगे, तब हमारी हानि नहीं होगी। हमारी हानि क्या है? हम तो ये मानते हैं थोड़े से पैसा घट गया, खाने पीने की चीज घट गई, कुछ ये हो गया, बस हानि हो गई। ये हानि तो होती रहती है, ये हमारी मुख्य हानि नहीं है। किसी ने अपमान कर दिया,
तो हमारी कोई हानि नहीं है। हमारा रुपया पैसा गिर गया तो कोई हानि नहीं है, मकान टूट गया तो कोई हानि नहीं है, नौकरी छूट गई तो भी कोई मुख्य हानि नहीं है। ये सब के मिट जाने पर जीवन निर्वाह का कोई ना कोई धंधा और दूसरा मिल जाएगा, जीवन चलता रहेगा। हमारी मुख्य हानि क्या है? अध्यात्म दिशा में चलने वाले जितने भी साधक हैं, जो कल्याण चाहते हैं, उनकी मुख्य हानि क्या है? मन में विकार बने रहना, मन का चंचल बने रहना, कामनाओं के पीछे मन का रात दिन दौड़ते रहना, बंधनों को क्या कहते हैं, बंधनों में पड़े रहना, ये हमारे मुख्य हानि है। श्री विताल साहब ने अन्यत्र कहा है, हानि लाभ निज जीव की बंधन छूटन केर, या ही छोड़ी कछु हानि नहीं लाभ न कतहू हेर। जीव की हानि लाभ क्या है? बंधनों में बंधे रहना, दुख का अनुभव करते रहना, यही हानि है। बंधनों से दुख से छुटकारा पा जाना, सब समय मन का प्रसन्न निर्मल संतुष्ट बने रहना, यही लाभ है। इसको छोड़ करके अन्य कुछ लाभ नहीं है और उसको छोड़ करके अन्य कुछ हानि नहीं है। तो बंधनों में पड़े रहना, दुख कष्ट पीड़ा का अनुभव होते रहना, मन का विकारी बने रहना, यही मुख्य हानि है। और यह अपनी हानि कब नहीं होगी, यह हानि कब मिट जाएगी? जब जीवन में गुरु भक्ति वैराग्य दया क्षमा संतोष सत्य और विवेक धारण करके हर समय हम मन माया से सावधान बने रहेंगे, हर समय हमारी जागरूकता बनी रहेगी, कभी कोई असावधान ना हो, तब ये हानि मिटेगी। धीर वीरता शील को साथी राखी हमेश, करे काज निज जीव को संशय बचे न शेष। जो व्यक्ति धैर्य वीरता और शील को हमेशा अपना साथी बना करके रखता है, हर समय धीरज, किसी ने थोड़ा सम्मान कर दिया एकदम फूल गए, किसी ने थोड़ा अपमान कर दिया बल पिचक गए, थोड़ा सा रुपये पैसे मिल गए बड़े प्रसन्न एकदम हर्षित, थोड़े से रुपये पैसे गिर गए एकदम दुखी शोकित। समता भाव में जीना चाहिए, हर समय धीरज। जो आदमी धैर्य रखता है उसका काम आज नहीं तो कल पूरा होना ही होना है, धीरज ही छोड़ दिए। थोड़ी सी विपत्ति आई, हाय हाय करने लगे, बिलाप करने लगे, माथा पर पटकने लग गए, ये कौन सा ज्ञान है? भयंकर से भयंकर संकट में भी धैर्य, कोई भी संकट स्थायी नहीं होता है, कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती है, भयंकर से भयंकर समस्या भी एक न एक दिन उसका समाधान हो ही जाता है। जो विपत्ति आई है एक न एक दिन वह दूर हो ही जाती है, धीरज तो रखें। लेकिन आदमी थोड़े में धीरज खो देता है। तो धैर्य और वीरता, वीर भाव मन बना रखे, कायरता ना लाए। अरे साधना का मार्ग, कल्याण का मार्ग, भक्ति का मार्ग, वैराग का मार्ग तो बड़ा कठिन है। हमारे जैसा साधारण आदमी, हमारे जैसा कम पढ़ा लिखा आदमी, हमारे जैसा कम बुद्धि वाला आदमी साधना कैसे कर सकेगा?
भक्ति बड़ा कैसे कर सकेगा, ये कमजोरी अपने मन में न लाए। किंतु अपने मन में ऐसा वीर भाव रखे, आखिर जो दूसरे लोग साधना भक्ति बैराग के पथ पर चढ़ रहे हैं, वे भी तो मेरे जैसे मनुष्य हैं, वो भी मनुष्य, मैं भी मनुष्य, मूल रूप में उनमें और हम में क्या अंतर है, जब वे वैसा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इस प्रकार से वीर भाव रखे। दुनियादारी क्षेत्र में तो आखिर लोग वीर भाव तो रखते ही है, अरे वो एक गाली देगा तो मैं चार गाली दूंगा, वहां कमजोर नहीं है, उससे कोई एक गाली देगा तुम चार गाली दोगे तो केवल क्लेश ही तो बढ़ेगा, दुख ही तो बढ़ेगा, वहां की वीरता तो रुलाएगी। लेकिन यहां हमेशा वीर भाव साहस मन में रखे, कमजोरी ना लाए। जितने भी लोग उन्नति के शिखर पर पहुंचे हैं वे भी मेरे जैसे मनुष्य हैं, तो जब वे पहुंच गए वैसा काम कर लिए तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ऐसा साहस और शील कोमल भावना विनम्रता इनको सब समय अपना साथी बना करके रखे। और फिर करे काज निज जीव को, अपनी जीव का काम, कल्याण का काम, आत्म शांति का काम करता रहे, संशय बचे न से, फिर मन में किसी प्रकार का कोई संदेह बचा नहीं रहेगा, सब संदेह दूर हो जाएंगे, सबका समाधान हो जाएगा। सब जीवन के घेर में, सब देहन के बीच अमित काल भरमत रहे, बिन विचार जग कीच, बिना विचार के आज तक अनादिकाल से हम सभी खानियों में जाकर और अनेक प्रकार के देह धारण कर करके भटकते आ रहे हैं। ये जीव अनादिकाल से भटकता ही तो आ रहा है, और अनादिकाल में किस किस खानी में गए, मनुष्य, पशु, अंडज, कृमि, ये चार, अच्छा मनुष्य पिंडज और अंडज उष्मज कहते हैं, तो इन चार खानियों में भटकते रहे। अब कब कब कौन कौन सा देह धारण किए, कोई ऐसी देह नहीं होगी जो हमें अनादिकाल की दुनिया में न मिली हो, और कैसे कैसे कष्ट भोगते रहे कुछ पता नहीं है, और ये आज से नहीं अनादिकाल से भटकते रहे। उसका कारण क्या है, विचार न करना, मैं कौन हूं, मेरा क्या है, दुख कहां से आता है, बंधन क्यों बनते हैं, ये दुख कैसे छूटेगा, बंधन कैसे छूटेगा, कहां से प्रेरणा मिलेगी, क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, इस पर कुछ विचार नहीं किए और इस बार से काम नहीं किए, इस प्रकार से भटकता रहे। हाँ, अब भटकने से यदि बचना है तो आज हम विचार धारण करें, सब काम विचार पूर्वक करें। अमान अकाम अक्रोध जह तह सब ही सुख साज, जहां न ये बाशा करें तहां सदा दुख राज। अमान सब समय निर्माण रहना, किसका अहंकार, स्थायी रहने वाला कौन है, जिनका भी हम अहंकार करते हैं, शरीर का, शरीर के रूप का, जवानी का, शरीर के बल का, क्या वो स्थायी रहने वाला है। शरीर तो एक दिन मिट ही जाता है, लेकिन शरीर रहते रहते जवानी विदा हो जाती है, रूप खत्म हो जाता है और बल भी घट जाता है। ऐसा समय आता है कि अपने शरीर की क्रिया अपने द्वारा करने में असमर्थता हो जाती है, एक गिलास पानी अपने हाथों से उठाकर पीना मुश्किल हो जाता है। तो जब शरीर ही साथ नहीं देगा तो अन्य और साथ
कौन देगा, तो किसका अहंकार। इसलिए सबका अहंकार छोड़ करके निर्माण विनम और अकाम, सब समय निष्काम, बस जैसा उचित है, जो योग्य है, आवश्यक है, वैसा काम करने। कामना पाने क्या जरूरत, ये मिले वो मिले, ऐसा करूं वैसा करूं, तमाम कामना बनाकर रखने की क्या जरूरत, किसी से कुछ नहीं चाहिए, ऐसा सबसे निष्काम और निष्क्रोध। कामना नहीं होगी, अहंकार नहीं होगा, तो क्रोध नहीं होगा। तो जहां निर्माणता है, निष्कामता है, निष्क्रोधता है, वहां पर ही सुखों की पूरी सामग्री है, सभी सुखों की पूरी सामग्री है वहां। और जहां पर ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जगह में ये है, ये तो निर्माणता, निष्कामता, निष्क्रोधता तो हमारे अंतःकरण में होती है। तो जिस मनुष्य के अंतःकरण में निर्माणता है, निष्कामता है, निष्क्रोधता है, उसके अंतःकरण में सभी सुख है, उसे सब प्रकार का सुख मिला हुआ है। और जिस मनुष्य के अंदर ये नहीं है, वहां तो केवल दुखों का ही राज है। ऐसा आदमी दुख से कभी बच नहीं सकता है। इसलिए निर्माणता, निष्कामता और निष्क्रोधता को धारण करें। लोभ रहित और मोह तज, अभय गहे जो कोए, दली आसक्ति विवेक निच, निस्दिन जागृत सोए। जो व्यक्ति लोभ रहित है, मोह रहित है, जिन्होंने सबका मोह छोड़ दिया है, और लोभ मोह से रहित होने के कारण सब समय जो निर्भय है, किसी के लिए लोभ नहीं तो किसी, और किसी के लिए मोह नहीं तो भय क्यों होगा, चिंता क्यों होगी, फिर वो निर्भय हो जाएगा। दली आसक्ति विवेक नीच, और विवेक पूर्वक जो आसक्ति का दलन करता रहता है, निर्दिन जागृत सोए, वही व्यक्ति हर समय सावधान समझना चाहिए। हर आदमी अपने को ज्ञानी मानता है, बुद्धिमान मानता है, समझदार मानता है, कोई ये थोड़े हैं, कोई स्वीकार करने को तैयार थोड़े होता है कि दूसरों से मेरी बुद्धि कम है, मेरी समझ कम है, या मेरा ज्ञान कम है। हर आदमी अपने को बड़ा ज्ञानी मानता है, कोई बड़े पुरुष समझाए तो भी लगता है अरे ये जो कहते हो तो हम जानते ही हैं, हम महाराज जो आप जो कह रहे हैं वो सब मुझे मालूम है, मैं भी जानता हूं। और छोटा समझाए तब, वहां तो अहंकार काम नहीं होता। कभी कई बार ऐसा होता है, कोई विद्वान है, ज्ञानी ज्ञानी कहलाने वाला है, कुछ गलत काम कर लिया, और किसी सामान्य आदमी समझाया, भाई देखो आप ऐसा तो करते, अरे तुम मुझे समझाते हो, कल के बच्चे हमें समझाने आए हम, अरे भैया जितना तुमने आटा खाया है उतना मैं नमक खा चुका हूं, और जितना तुमने पानी पिया है ना मैं घी पी चुका हूं उतना, मुझे सब समझाते तुम चले हो। इस प्रकार से अहंकार स्वीकार थोड़े करता है। तो अपने को सब ज्ञानी मानते हैं, जागृत साधन मानते हैं, लेकिन सदगुरु विकास साहब कहते हैं जागृत कौन है, कौन साधन है, जिसके मन में लोभ नहीं है, हर समय निर्लोभ, और जिन्होंने सबका मोह त्याग दिया है, जो निर्भय है, और जो अपने मन की सारी आसक्तियों को विवेक पूर्वक शमन कर दिया है, समझना चाहिए कि वही जागृत है। इसलिए यहां आप कहते हैं निर्लोभी बनो, मोह का त्याग करो, निर्भय रहो, और विवेक द्वारा अपने मन की सारी आसक्तियों का शमन करते रहो। खुशी प्रतिष्ठा की तजय, तजय ताहि अभिमान, सो नहीं भूले याही में जो फंदा पहचान। प्रतिष्ठा की खुशी का त्याग करें और प्रतिष्ठा के अहंकार का त्याग करें।
प्रतिष्ठा मिलती है तो मन में खुशी होती है। कोई कहे कि आप बड़े ज्ञानी हैं, आप बड़े विद्वान हैं, आप बड़े अच्छे लेखक, बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, आप बड़े साधक हैं, बड़े सहनशील हैं, बड़े वैराग्यवान हैं, इस आश्रम में केवल आप वैरागी दिखते हैं, तब किसका मन प्रसन्न नहीं होगा भाई? होता है कि वाह हम ही बहुत हैं। तो प्रतिष्ठा मिलती है तो मन में बड़ी खुशी होती है, और ये प्रतिष्ठा की खुशी ही नरक में ले जाने वाला वाली होती है। जितनी हमें कोई किसी ने प्रतिष्ठा की उसका मन, और अपनी प्रतिष्ठा में अपने मान सम्मान में जितने हमारे मन में खुशी होगी उतना अहंकार होगा अपने त्याग का, ज्ञान का, वैराग का, और परिणाम नरक में जाना होगा, फिर दुख के सागर में डूबना होगा। इल्ल साहब कहते हैं किसी प्रकार की योग्यता है और उस योग्यता के कारण कोई दूसरे तुम्हारी प्रतिष्ठा कर रहा है, उस प्रतिष्ठा को पाकर के खुश मत हो, उसमें अहंकार मत करो, अपने को बड़ा मत मानो। सो नहीं भूले याही में जो फंदा पहचान, जो मन के फंदा को पहचानता रहेगा, भवबंधन को जो पहचानता रहेगा, कई अनादिकाल की दुनिया में आज तक कैसे कैसे हम दुख भोगते आए, और आज भी दुनिया में कैसे कैसे संकट है, दुख है, पीड़ा है, इसको जो पहचानता है, इसको जो जानता है, जिसकी दृष्टि में ये फंदा दिखाई पड़ता रहता है, वह प्रतिष्ठा की खुशी में और अहंकार में भूलेगा नहीं। किसी प्रकार की योग्यता है तो उससे अपना कल्याण करो और दूसरों की सेवा करो, उसका अहंकार न करो। पूजा प्रतिष्ठा मिले तो उसमें खुद मत हो। इन सबको पूरा किए नहीं समय जग काज, सोई गहे संहारी के साधु संत सिर ताज। इन पंक्तियों में जो सद्गुण बताए गए हैं, 19 सद्गुण बताए गए, इसमें गुरु भक्ति, वैराग्य, दया, क्षमा, संतोष, सत, विवेक, धैर्य, वीरता, शील, विचार, निर्मानता, निष्कामता, निष्क्रोधता, निर्लोभता, निर्मोहता, निर्भयता, आसक्ति का दलन और प्रतिष्ठा की खुशी का त्याग, ये सद्गुण बताए गए। श्री विशाल साहब कहते हैं जो साधक, जो मोक्ष इन सद्गुणों को जीवन में आचरण करने में तत्पर रहता है, रात दिन जिसके मन में ये भावना रहती है कि इन सद्गुणों को मैं अपने जीवन में पूरे के पूरा आत्मसात कर लूं, नहीं समय जग काज, उसके पास दुनियादारी के प्रपंच के लिए समय नहीं होगा, वह प्रपंच वार्ता में सब अपना समय नहीं बिताएगा, उसका उसके पास समय ही नहीं होगा कि दुनिया के पीछे पड़े। सद्गुणों को आचरण करने में, अपनी साधना में ही समय खत्म हो जा रहा है, तो प्रपंच के लिए, व्यर्थ वार्ता के लिए उसके पास समय कहां होगा? जिन्हें अपने कल्याण के लिए प्रीता नहीं होती, दुख निवृत्ति के लिए प्रीता नहीं होती, मोक्ष के लिए प्रीता नहीं होती, जिसका मन उसमें नहीं लगता है, उसका मन ही प्रपंच में लगता है, उसके पास ही दुनियादारी के राग रंग लड़ाई झगड़े कलह कल्पना के लिए समय होता है। और जो अपने आप को साधना में तत्पर कर दे, साधना में डुबा दिया है, जिसके लिए मन में एक ही चिंता कि इन सद्गुणों को पूरा का पूरा अपने जीवन में उतार लूं, उसके बाद कलह कल्पना, लड़ाई झगड़ा, राग द्वेष के लिए समय कहां होगा? सोई गहे संहार के, फिर तो वह अपने आप को एकदम संभाल करके, प्रपंच से, कला कल्पना से बचा करके इन सद्गुणों को ही ग्रहण करता रहता है। और जो इन सद्गुणों को ग्रहण कर लिया, जिनका जीवन इस सद्गुणों से परिपूर्ण हो गया, सोई वही साधु संत सिरताज, वही साधु है, वही संत है, और वही सिरताज सबके सिर मुकुट है, सबसे श्रेष्ठ है।
श्री विताल साहब कहते हैं कि इन सद्गुणों को ही जीवन में धारण करो, इनके लिए अपने आप को तत्पर कर दो, तो तुम सबसे महान हो जाओ, सबसे श्रेष्ठ हो जाओगे, सबसे आगे निकल जाओगे, और ऐसा करके ही दुखों से छुटकारा हो सकता है। आगे के प्रसंगों में फिर इन सद्गुणों का विस्तार से वर्णन है।